वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। शुरुआत ही हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से आ रही है। DGCA ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफिस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और CISF की संयुक्त टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया है और इसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये हवाई सेवा शुरू करने से पहले की तैयारी और इंतजामों की डिटेल लेने की कोशिश है। आपको ये बता दें हम कि कल से ही दिल्ली से 15 शहरों के लिए रेल सेवा शुरू हो रही है, तो क्या ये माना जाए कि जल्द ही विमान सेवा भी शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 17 मई के बाद से विमानों के इंजन गरज सकते हैं, तो लॉकडाउन का ये तीसरा दौर जो 17 मई को खत्म होगा, सब ये सोच रहे हैं इस वक्त कि प्रधानमंत्री आज जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं तो इसमें क्या एक आम सहमति और क्या एक फैसले की तरफ आगे बढ़ने को लेकर कदम हो सकते हैं। लेकिन इस बीच जो संकेत मिल रहे हैं वो देखिए, रेल सेवा की कल से शुरुआत हो रही है, दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेन जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया है एक संयुक्त टीम ने जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी शामिल हैं और एयरपोर्ट पे किस तरह के इंतजाम हैं, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हम कितने तैयार हैं, तो ये तमाम कोशिशें और ये जो परिस्थितियां हैं उन्हें जांचा जाएगा, परखा जाएगा। और जानकारी के साथ इस वक्त आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। आशुतोष, ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से भी हमें मिल रही है और दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि कल से ट्रेन चलने की शुरुआत होगी और दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर एक टीम पहुंची है जांच करने के लिए। क्या संकेत यहां से समझे जाएं 17 मई के बाद के लिए? सबसे पहली जो भी फिलहाल अनुमान है और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो ये कि जब हवाई सेवा शुरू होगी तो सबसे पहले डोमेस्टिक सेवा शुरू होगी और दिल्ली में सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, जो टर्मिनल 3 जिसे कहते हैं, ऑपरेशन वहीं से शुरू होगा। मैं आपको यही बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वो सारी तैयारियां खुद अपने आंख से देखी है और मैंने वो रिपोर्ट वहां पे कवर भी की है किस तरह की तैयारियां होंगी। खास क्या होगा वो भी मैं अब तमाम दर्शकों के लिए बताऊं कि जैसे आप डिपार्चर पर पहुंचेंगे इस बार ढेर सारी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, हर गाड़ियों के बीच में थोड़ी सी गैप होगी, उसके लिए वहां पर बॉक्स अलग से बनाए गए हैं। जो स्पीकर सिस्टम है वहां से लगातार अनाउंसमेंट होगी कि लोग मास्क पहने रहें, एक दूसरे से दूर रहें। अंदर जब आप सिक्योरिटी क्यू में जाते हैं तो लंबी बेल्ट लगाई जाती है दूरी के लिए, इसमें लाइन लगती है। इस बार वो बाहर भी लगेगी कि अगर भीड़ बढ़ती है तो बाहर से, यानी जब आप पहली बार टिकट दिखा के अंदर प्रवेश करते हैं आपको वहीं पर लाइन लगाना होगा। उसके बाद जो बोर्डिंग काउंटर है जहां पर आप बोर्डिंग पास लेते हैं वहां बैठने की पहले के मुकाबले ज्यादा व्यवस्था की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। तो टिकट बोर्ड दिखाने से लेकर के बोर्डिंग टिकट लेने तक सिक्योरिटी गेट और बोर्डिंग गेट जाने के बीच में जितने भी रास्ते हैं हर जगह कोशिश ये है, चाहे वो फूड कोर्ट का भी हो, कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। मास्क पूरी तरह अनिवार्य होगा हर किसी के लिए और 300 से ज्यादा ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर सैनिटाइजर रखा जाएगा। इस समय भी 500 से ज्यादा कर्मचारी हैं डायल के जो लगातार वहां पर फिलहाल ये देख रहे हैं कि सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पूरी हो, लगातार हर जगह पर हर चप्पे पर छिड़काव हो। तो नजर के साथ जैसे ही राहत मिलेगी कि अगर 18 तारीख के बाद उड़ानें शुरू होती हैं तो लोगों को बहुत कुछ नए नियमों का पालन करना होगा क्योंकि ये आपकी हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसीलिए डायल ने तैयारियां पूरी की हैं, CISF की टीम ने दौरा किया है। शायद जल्दी ही इसका ऐलान भी हो कि पहली उड़ान कब शुरू होगी, लेकिन हाँ नई तैयारियां हैं, नए नियम लोगों को मानने पड़ेंगे इस बार। आशुतोष, देखिए सबके मन में सवाल यह है कि 17 मई के बाद क्या होगा, प्रधानमंत्री आज अहम बैठक भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करने वाले हैं, लेकिन इस बीच जब प्लेन्स की बात हो रही है, शुरुआत अगर की जाती है 17 मई के बाद या आने वाले दिनों में हम कोई फैसला देखते हैं, फुल कैपेसिटी पर चल पाना प्लेन्स के लिए मुमकिन होगा? जाहिर है, क्योंकि दिल्ली में जब इशारा यही आ रहा है कि सिर्फ एक एयरपोर्ट फंक्शनल होगा, टर्मिनल 2 टर्मिनल 1 में फिलहाल ऐसी संभावना नहीं दिखती, टर्मिनल 3 चलेगा तो जाहिर है कि हो सकता है पहले शुरुआत एक तिहाई से हो क्योंकि अभी भी एयरपोर्ट पर लगभग 1000 कर्मचारी अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ एयरलाइंस को अनुमति दी जाए, वो उन शहरों तक उड़ान भरे जहां रेड जोन और कंटेनमेंट जो एरिया है उनकी संख्या बेहद कम है। तो राजधानी से हो सकता है वो मुंबई के लिए हो, केरल के लिए हो, कर्नाटक के लिए हो, सबसे पहले बड़े शहरों को जोड़ने की भी कोशिश की जाए क्योंकि आपको ये भी समझना होगा कि बहुत
बहुत सारे शहरों में लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं, जो एक दूसरे शहर जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो संपन्न हैं, उनके पास सुविधाएं हैं, तो इन सारी जरूरतों को देखते हुए और एक सबसे बड़ी बात कि एयरलाइंस कंपनियों को जिस तरह से घाटा सहना पड़ा है, कई एयरलाइंस कंपनियों ने तनख्वाहों में कटौती की है, भारी कटौती की है, तो अब सरकार की सबसे पहली कोशिश है कि इस पूरे कारोबार को वापस पटरी पर लाया जाए, और वो पटरी पर तब आएंगे जब जहाज उड़ना शुरू करेंगे, तो हो सकता है शुरुआत एक तिहाई से हो, और जैसे ही ये देखा जाए, क्योंकि अब ये मान के चलिए कि जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा कि अब इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा, तो शायद सरकार भी अब इसके लिए तैयार है कि खतरे से निपटने की हर तैयारी होगी, आपको नियम मानने होंगे, एहतियात बरतने होंगे, लेकिन अब जिंदगी एक बार फिर से शुरू होगी। मीनाक्षी, बिल्कुल आशुतोष, यहाँ पर बड़ी खबर हमें दे रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट को फंक्शनल करने की तैयारी के मद्देनजर जो है आज संयुक्त टीम ने दौरा किया है दिल्ली एयरपोर्ट का, जिसमें डीजीसीए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और सीआईएसएफ की ज्वाइंट टीम्स वहां पहुंची हैं। अब ऐसे में कितनी जल्दी ये फैसला हो सकता है वो देखना होगा, लेकिन प्लेन यात्रा की शुरुआत जब होगी वो अभी आने वाले दिनों में फैसला दिखाई देगा, लेकिन ट्रेन की शुरुआत कल से हो रही है, और ये इस वक्त आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, 12 मई से दिल्ली से ट्रेन जा सकेंगी बेंगलुरु, चेन्नई, डिब्रूगढ़, तो ये तमाम आपको हम रूट दिखा रहे हैं, पटना, यानी 15 अहम सेवा ट्रेन सेवाओं की शुरुआत जो है वो कल से हो जाएगी, और इसके लिए आज शाम 4 बजे से बुकिंग भी आईआरसीटीसी लेना शुरू करेगा। हालांकि ये बुकिंग अभी सिर्फ ऑनलाइन होंगी, यानी रेलवे स्टेशन से टिकट नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन ही इन्हें बुक किया जा सकेगा। प्रयास सरकार और प्रशासन की रेलवे की तरफ से यही कि किसी भी तरह की भीड़ स्टेशन पर ना हो, उसके लिए टिकट ऑनलाइन जारी होंगे, और जब आपका टिकट कन्फर्म होगा उसी कन्फर्म टिकट के आधार पर आपको रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री भी मिलेगी। अभी तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं है जो अभी ये व्यवस्था सरकार की तरफ से जारी की गई है, यानी अभी जो इन 15 शहरों के लिए ट्रेन कल से शुरू होगी, देखा जाएगा, उसके बाद इवैल्यूएट किया जाएगा कि इसके नतीजे कैसे सामने किस तरह के सामने आते हैं, और उसके बाद अगले कदम की तरफ, स्टेप टू की तरफ सरकार बढ़ सकती है। लेकिन इंतजार इस बात का है कि आज दोपहर 3 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करने वाले हैं, तो इस 5वीं महाबैठक से कोरोना को लेकर जो तैयारियां हैं सरकार की, उसको लेकर रणनीति क्या बनेगी। लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला है, तीसरे पार्ट में काफी रियायतें दी गई हैं, और कल से ट्रेन भी शुरू हो जाएंगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आज कोरोना के साथ जिंदगी को रफ्तार देने पर बात होगी, या फिर लॉकडाउन का एक और रूप चर्चा में आएगा। इस बार उन मुख्यमंत्रियों की भी शिकायत दूर हो जाएगी जिन्हें बोलने का वक्त न देने का आरोप लगा था पिछली मुलाकात में। पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोलने का मौका मिलेगा और फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नंबर आएगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले 45 दिनों से जारी सन्नाटा टूटने वाला है, यानी जल्दी ही यहां पर चहल पहल थोड़ी बहुत ही सही लेकिन शुरू होने वाली है। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि 15 रेलें 12 मई से देश के 15 शहरों तक जाएंगी और वहां से आएंगी भी, लेकिन उसके लिए नियम तय कर दिए गए हैं। ये सारी ट्रेनें एसी होंगी और एयर कंडीशन ट्रेनें यहाँ से यात्रियों को लेकर जाएंगे, लेकिन यात्रियों को लेकर जाने के लिए तमाम तरह के नियम बनाए गए हैं। फिलहाल रेलवे स्टेशन पर दूर दूर तक बैरिकेडिंग की गई है, किसी आदमी को अंदर जाने आने की इजाजत नहीं है, सिर्फ रेलवे के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी जा रहे हैं। रेल मंत्रालय की तरफ से की गई घोषणा के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेन डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगे। सारी एसी ट्रेनें होंगी, लोग सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं, काउंटर बंद रहेंगे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजदूरों को जिस समय भेजा गया था उस समय गोले बना दिए गए थे और उन्हीं का इंतजाम, उन्हीं का पालन अभी भी लोगों को करना पड़ेगा। इस वक्त हम राजधानी पटना में मौजूद हैं, यहाँ के लिए भी जो है ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है और तस्वीरें आपको हम पटना की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन 50 दिनों से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है लॉकडाउन का, और इस दौरान पटना रेलवे स्टेशन में किस तरीके की आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता है, केवल सिक्योरिटी के जो है लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो इसी तरीके का सन्नाटा काफ़ी दिनों से है। लेकिन अब जो ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है कल से, पहली ट्रेन
जो है वो परसों आएगी, यानी कल दिल्ली से रवाना होगी तो परसों वो पटना पहुंचेगी और परसों ही वापस दिल्ली के लिए शाम में जो है वो ट्रेन जो है वो निकलेगी। और जो जानकारी मिल रही है कि उन्हीं लोगों को इस स्टेशन में एंट्री दी जाएगी जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सर्कल्स बनाए गए, जो एंट्री गेट है एंट्री गेट से अंदर आते हुए सोशल डिस्टेंस को जो पैसेंजर है उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे उसके लिए इस तरीके से सर्कल बनाए गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे डिसइंफेक्शन की जो दवाई है उसे भी छिड़का जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से क्योंकि लोग यहाँ पे आएंगे तो सैनिटाइजेशन होना बेहद ज़रूरी है। वैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेन है ट्रेन की खिड़कियों पर भी कुछ इस तरीके से दवाई छिड़की जा रही है, क्योंकि आम तौर पर जो पैसेंजर ट्रेन में बैठते हैं वो ट्रेन की खिड़की को कहीं ना कहीं छूते हैं, तो वैसे में उस पर भी पूरी तरीके से यहाँ पे दवाई छिड़की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरा इंस्पेक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन 25 मार्च से बंद है। बाईं ओर देखें तो ये टिकट काउंटर का नज़ारा है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है। यहाँ पर लोगों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब कल से चूंकि कुछ 15 विशेष ट्रेनें चलाई जानी हैं, हालांकि उन ट्रेनों में से चंडीगढ़ से कोई भी ट्रेन होकर नहीं गुजरेगी। यहां से पड़ोसी जो रेलवे स्टेशन है अंबाला, वहां से जम्मू तवी एक्सप्रेस गुजरेगी, लेकिन चंडीगढ़ में भी कुछ चहल पहल देखी जा रही है, साफ़ सफाई की जा रही है। हालांकि यहां पर कई मशीनें, चाहे वो डिस्प्ले बोर्ड हो, अभी फ़िलहाल बंद हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी साफ सफाई में व्यस्त हैं। कुछ इक्का दुक्का मालगाड़ियां यहां से गुजर रही हैं। 12 मई से पहली ट्रेन न्यू दिल्ली से शुरू होगी और हावड़ा के साथ साथ डिब्रूगढ़ और अगरतला जो पूर्वोत्तर भारत में है उनको भी कनेक्ट करेगी। ये पहला मौका है जब पैसेंजर ट्रेन शुरू होगी और यात्रियों को लेकर टिकट के साथ सफ़र करेगी। अभी तक कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि सिर्फ वही लोग सफ़र कर सकते हैं जिनके पास कंफर्म टिकट हो, लेकिन उनकी बुकिंग किसी भी तरह से ऑन काउंटर नहीं हो सकती है। ऐसे में हावड़ा और बाकी सारे इलाकों में भी काउंटर्स नहीं खुलेंगे। खाने की सुविधा क्या होगी इस पर अभी विचार किया जा रहा है। खाना कैसे यात्रियों को उपलब्ध कराया जाएगा इतने लंबे सफर में जो 24 घंटे से ज्यादा का होगा, खास तौर से इन इलाकों के लिए। लेकिन वहीं ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि जो भी यात्री ट्रेन में चढ़ेगा उसे पहले स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, बॉडी टेम्परेचर टेस्टिंग या बाकी सारे टेस्ट जो बेसिक होते हैं वो भी करवाए जाएंगे। हम इस समय सिकंदराबाद रेलवे जंक्शन पर, एक महत्वपूर्ण साउथ सेंट्रल रेलवे का एक जंक्शन है, यहाँ से इस जंक्शन से कल एक ट्रेन चलेगी और उसको लेकर अब तैयारियों का दौर जारी है। यहाँ पर अभी RPF ने यहाँ पर कम्प्लीटली ये बैरिकेड कर रखा है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अंदर सैनिटाइजेशन का पूरा काम किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से कल एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद जंक्शन एक महत्वपूर्ण स्टॉपेज है, तो दक्षिण की तरफ आने वाली कई सारी ट्रेन का स्टॉपेज यहां होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने धीरे धीरे रेल सेवाओं को रिज्यूम करने का फैसला किया है और 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। इसमें से रांची से भी एक ट्रेन यहाँ रांची भी आएगी। जिंदगी की रफ्तार जो थम गई थी लॉकडाउन के दरमियान, और लगातार जो है ये इन ट्रेनों को इस तरह से रेलवे स्टेशन पे एकदम बिल्कुल जो है खड़े देखा जा रहा था स्टैंड स्टिल पे, तो वो जो है अब पटरी पे जिंदगी लौटेगी और एक जोड़ी ट्रेन जो है वो रांची को भी मिल रहा है। जाहिर तौर से रांची के लिए ये अच्छी खबर है, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।